G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर एक मूवी आती है जिसका नाम होता है छतरी वाली। इस मूवी का सेम कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है जनहित में जारी एक जो मूवी आई थी कुछ टाइम पहले। अब सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित इस मूवी में नया क्या देखने वाला था, इसलिए मैंने इस मूवी को देखना शुरू किया था। खैर, जिन्होंने जनहित में जारी या फिर कहीं छतरी वाली मूवी दोनों में से कोई भी नहीं देखी है तो उनको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इन मूवीज में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। खैर, अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा इसकी कहानी क्या होगी। फिर भी थोड़ा बहुत तो मेरा फर्ज बनता है कि कहानी के बारे में लिटिल बिट डिस्कस किया जाए। एक सानिया नाम की एक लड़की होती है जो निरोध बनाने की फैक्ट्री में काम करने लग जाती है। ये बात वो अपने घर वालों से छुपा के रखती है। इवन जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने जो ससुराल वाले हैं उनसे भी ये बात वो छुपा के रखती है। ऑब्वियसली एक लड़की निरोध बनाने की फैक्ट्री में काम करेगी, ये समाज तो बड़ा क्रूर है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। खैर, प्रॉब्लम तो आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं तो वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करती है और उसका जो ससुराल वाले हैं उसको वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट है या फिर जो ये सोशल मैसेज देना चाहती है, एक तो कि निरोध को यूज़ किया जाए, जो पिल्स हैं वो कैसे लेडीज़ के शरीर को हार्म करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। लेकिन निरोध का यूज करना चाहिए या पिल्स कैसे खतरनाक होती हैं, ये दो बातें आपको पता चलेंगी जब मूवी खत्म हो रही होगी, तब वो भी तब जब उसमें लाइनिंग में मतलब कि एक लाइन आएगी जिसमें लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ भी इसका यूज किया जाना चाहिए, ये चीजें खतरनाक है। बाकी मूवीज आप देखो, पूरी मूवी आप देखोगे तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप मूवी बना रहे हो उस पर तो इसका फोकस ही नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि इसमें ऐसा समाज दिखाया गया है जो बच्चों को बायोलॉजी का एक चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ाने पर भी उसको अश्लील मानता है। अगर कोई टीचर इसको पढ़ाएगा तो दूसरी मतलब जो लड़के हैं उनको उठाकर किसी दूसरी क्लास में भेज देगा। प्रिंसिपल इसे अश्लील बोलता है और इवन कोई बच्चों को लड़का और लड़कियों दोनों को अगर रिप्रोडक्शन के बारे में सही से बताने भी लगे तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। पुलिस भी गवार है, टीचर भी गवार है, प्रिंसिपल भी गवार है, पूरा समाज जो है इसके अंदर गवार ही दिखाया गया है। और सबसे ज्यादा पिछड़ी सोच या फिर सबसे ज्यादा बैकवर्ड जिसको दिखाया गया है वो ये है कि भैया पूजा पाठ करने वाले जो लोग होते हैं वो तो इस चीज को यानी निरोध को बहुत ज्यादा खराब मानते हैं, उसे टच नहीं करना चाहते, उसे अपने घर में नहीं लाना चाहते, उससे चीजें अशुद्ध हो जाती। ऐसा मैंने देखा यार, मैंने सोचा है ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं, कौन से समाज में है, मैं भी तो इसी समाज में रहता हूँ, मैंने तो ऐसा चीज़ें नहीं देखी हैं यार। ये बॉलीवुड वाले कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा लॉजिक लगा लेते हैं इन सब चीज़ों को लाने के लिए। जब ऑलरेडी एक मूवी आई हुई है जनहित में जारी, उसका कॉन्सेप्ट सेम यही है। सिचुएशन इवन मैं बात करूँ कि छतरी वाली और जनहित में जारी, इन दोनों मूवी की कॉन्सेप्ट तो सेम है ही, सिचुएशन भी सेम है क्योंकि दोनों के अंदर लेडीज जो हैं वो एक निरोध बनाने की फैक्ट्री में काम करती हैं, अपने घर वालों से बात छुपा के रखती हैं, अपने ससुराल वालों से बात छुपा के रखती हैं और वहां पर जाके उनकी बात, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट सिचुएशन सेम रखी गई। तो छतरी वाली जो मूवी है उसमें नया क्या देखने को मिलने वाला है। इवन जनहित में जारी जो मूवी आप देखोगे उसका ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा है, पूरी मूवी में आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है। लेकिन ये जो मूवी है छतरी वाली, इस मूवी को देखने मुझे 3 दिन लग गए, मतलब लगभग 2 घंटे के आसपास की मूवी को देखने मुझे 3 दिन लग रहे हैं। ऑब्वियसली इंटरेस्ट नाम की तो इसके अंदर चीज़ है नहीं, ह्यूमर डालने की कोशिश की गई है लेकिन वो वाहियात लगता है, कहीं से भी कोई लॉजिक चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। ऐसा समाज दिखा देना जो बहुत ज़्यादा नफरत करता है इन सब चीज़ों से या फिर उसे अश्लील मानता है, मतलब ऐसे ऐसे सीन देखे हैं मतलब वो हजम नहीं हो रहे हैं। फिर इसमें डायलॉग जैसे बोले गए हैं वो भी यार इतने वीक हैं, उनको इतना कमज़ोर लिखा गया, सच में ये मूवी आपका इंटरेस्ट तो कहीं पर भी बनाएगी ही नहीं। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 2 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी मानो तो देखो मैं इससे बेटर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जनहित में जारी मूवी, आप उसे देखिए, कॉन्सेप्ट सेम है और बढ़िया तरीके से उसको डायरेक्ट किया गया है, उसे बनाया गया है, वो ज़्यादा बेटर है या फिर कहूँ उससे लाख गुना बेटर है छतरी वाली से, तो आप जाके वो मूवी देख लीजिए, इसे बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।